आगे आगे नई कार्यकारिणी और नए पदाधिकारी सभी को सभी ठेकेदारों को साथ लेके काम चलेंगे। अभी जो राज्य सरकार और कुछ बड़े अभियंताओं द्वारा जिस तरह के पैकेज निकाले गए हैं बड़े बड़े, तो उन्हें बड़े ठेकेदारों का बोलबाला है और हम छोटे ठेकेदारों का सारा यानी बैकफुट पे लाके रख दिया है, तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। वो सारे जो बड़े बड़े पैकेज बने उनको सबको तोड़ा के जो कैटेगरी यानी सबके जो अलग अलग टुकड़े थे उसी टुकड़ों के अंदर हम टेंडर लगवाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम जयपुर से सीधा आह्वान करेंगे। अभी क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? अभी हमारी काफी सारे तो पेमेंट नहीं हो रहे हैं और काफी ठेकेदारों के और जो अलग अलग जो ज्वाइंट वाइज टुकड़े थे उन सबको जोड़ के बड़े पैकेज लगा दिए, तो हम सारे छोटे ठेकेदारों के बिल्कुल काम है नहीं, बेरोजगार हैं। जीएसटी का कितना असर पड़ा इस? जीएसटी का काफी सारा असर पड़ा, जीएसटी के मारे तो हम पूरे मरे हुए हैं। इससे कौन से ठेकेदार को फायदा पहुंच रहा है? बड़े ठेकेदारों को जिनके पूरी डबल एक क्लास और उनसे बड़े 50,000 मॉडलाइजेशन वो मिलती है, उनको फायदा है। नाम बताया? दिनेश विजय। जो बना दिए हैं उनको तोड़ के छोटे ठेकेदारों को काम मिले, और उससे क्या है कि एक ही ठेकेदार को मिलता है, डबल ए क्लास वाला बाहर का ठेकेदार आता है यहाँ आके काम करता है और यहाँ वाले सारे ठेकेदार बेरोजगार बैठे हैं। तो इसके लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं यूनाइटेड होकर, और इसके लिए अगर जयपुर भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। कितने ठेकेदार इस तरीके के? कम से कम 500 ठेकेदार पूरे हाड़ौती संभाग के, क्या पूरे राजस्थान के बेरोजगार हो गए? मतलब ये यही का कोटा संभाग का है, काम नहीं है पूरे संभाग में। ये जयपुर में भी है, बाड़मेर में भी है, बीकानेर में भी, इन्होंने सारा पैकेज जो बना दिए हैं। आप लोग क्या पूरे राजस्थान के ठेकेदार मिलके कोई आंदोलन? वो बाद में, क्योंकि अभी तो पहल करी है हमने कोटा संभाग से पहल करी है, इसके बाद बाकी जिले के कॉन्ट्रेक्टर को भी जोड़ेंगे, उसके बाद संघर्ष करेंगे।